नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ में रोजगार से जुड़े दो चौंकाने वाले आंकड़े। प्यून के 91 पदों के लिए 2.25 लाख आवेदन, CMIA बता रहा 0.4% बेरोजगारी दर। छत्तीसगढ़ में रोजगार से जुड़े दो आंकड़े सामने आए हैं, दोनों ही चौंकाने वाले हैं। अर्थव्यवस्था से जुड़े एक थिंक टैंक सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIA का दावा है कि अगस्त महीने में छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर 0.4% रही, यानी तकनीकी रूप से कोई भी बेरोजगार नहीं है। इसी बीच सामने आया है कि चपरासी के 91 पदों के लिए छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग CGPSC की परीक्षा में 2.25 लाख आवेदन आए हैं। यह परीक्षा 25 सितंबर को प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों पर आयोजित की जानी है। हालांकि यह पहली बार है जब लोक सेवा आयोग की परीक्षा के जरिए प्यून की भर्ती की जा रही है। बताया जा रहा है केवल 8वीं पास योग्यता वाली इस परीक्षा के लिए बड़ी अकेडमिक और तकनीकी डिग्री वाले युवा भी फॉर्म भर चुके हैं। कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में लोग नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। उनको लगता है कि चपरासी का पद भी मिल गया तो उनकी बेरोजगारी दूर हो जाएगी। हालांकि इसमें एक तथ्य यह भी है कि ये आवेदन करने वालों में बड़ी संख्या उनकी भी है जो अभी दूसरे पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हैं। ऐसे लोगों का मानना है कि यदि वे प्यून बन गए तो परीक्षा देने की आयु सीमा सरकारी नौकरी होने के कारण बढ़ जाएगी और वे फिर ज्यादा बार बड़े पदों के लिए प्रयास कर सकेंगे। इस बीच सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIA ने अगस्त महीने के बेरोजगारी के आंकड़े जारी किए हैं। इसमें कहा गया है अगस्त महीने में छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर 0.4% रही। इसका सामान्य से मतलब है कि काम करने योग्य प्रत्येक 100 में से एक व्यक्ति भी बेरोजगार नहीं है। छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर देश में सबसे कम है। नए आंकड़ों में राष्ट्रीय बेरोजगारी दर 8.3% बताई गई है। इसी संस्था ने जुलाई का जो आंकड़ा जारी किया था उसमें प्रदेश की बेरोजगारी दर 0.8% और मार्च अप्रैल में 0.6% तक थी।